हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। इसकी कैपेसिटी 5 KVA है। तो आज का वीडियो हमारा इसी बारे में है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्टेबलाइजर के वोल्टेज की सेटिंग की जाए, यानी किस तरह से इसका सर्किट सेट किया जाए कि इसके फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर आए और हाई या लो वोल्टेज ना दिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज के बारे में बता देता हूँ। इसमें हमने 3 वर्किंग रिले यूज किए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, ये इसकी वर्किंग रिले है, यानी ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हमने इस पे दे रखे हैं। इससे वोल्टेज की सेटिंग होगी, यानी अप डाउन जो रिले करेंगे उसके हिसाब से वोल्टेज आउटपुट ये कम या ज्यादा करके निकालेगा। ये मिनिमम रेंज इसकी 90 वोल्ट है, यानी कम से कम इसमें अगर 90 वोल्ट आएंगे तो बढ़ाकर इसे 200 वोल्ट देगा, और 200 और 250 वोल्ट के बीच में हम इसकी आउटपुट सेट करेंगे। मैक्सिमम इसकी इनपुट रेंज 290 वोल्ट है। और ये जो हमने चौथी रिले इसमें यूज की है, हमने इसमें एक टाइमर लगा रखा है। ये देखिए, ये टाइमर सर्किट है। इसका काम यह होता है कि लाइट आने के कुछ टाइम के बाद ये करंट बाहर छोड़ता है, जिससे कि हमारे जितने इक्विपमेंट हैं वो सब सेफ रहते हैं वोल्टेज के झटके से, उसमें फॉल्ट नहीं आता है। तो ये तो केवल टाइमर हो गया, तो इस रिले से हमें इतना मतलब नहीं रहेगा। हमारा जो मेन काम होगा वो इन 3 रिले से होगा, और इसे सेट करने के लिए हमने ये एक सर्किट यूज किया है। ये देखिए, इसमें 3 प्रीसेट लगे हुए हैं। ये एक सर्किट में एक तरीके से आप समझ सकते हो कि 3 सर्किट है, ये 3 रिले ऑपरेट करने के लिए। इस सर्किट में 5 स्टेप आते हैं, यानी कि हम 3 प्रीसेट सेट करेंगे लेकिन ये 5 बार रिले अप डाउन करेगा। और इस सर्किट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही ज्यादा कामयाब सर्किट है। ये स्टेबलाइजर में आप ट्रांजिस्टर वाले सर्किट तो बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर बेस्ड है। आजकल तो माइक्रो कंट्रोलर और आईसी बेस्ड सर्किट बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार इतने अच्छे फंक्शन नहीं आ पाते हैं जितने अच्छे फंक्शन हमें इस सर्किट में मिल जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि इसमें फॉल्ट बहुत कम आते हैं, और अगर फॉल्ट आ भी गया तो बहुत माइनर से फॉल्ट होते हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है, और इसके स्टेप्स बहुत अच्छे आते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी ही आपको इसे सेट करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस सर्किट को सेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम सारे प्रीसेट इसके ऑफ कर देंगे, यानी कि रिले हमारी वर्किंग ना करें। हमें प्रीसेट ऐसे कंडीशन में सेट करने हैं। इसके लिए देखिए, प्रीसेट हम बिल्कुल आपके सर्किट के इधर को कर देंगे। इधर करने पर ही प्रीसेट इसके ऑफ हो जाएंगे। ये देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ट्रांजिस्टर की साइड में हम प्रीसेट कर देंगे, ये 3 प्रीसेट इसके ऑफ हो गए, यानी सर्किट हमारा बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। अगर हम प्रीसेट से वोल्टेज की सेटिंग करेंगे तब ये सर्किट वर्क करेगा। और ये आपको बता देता हूँ कि कौन सा सेक्शन कौन से रिले के लिए है। ये जो पहला प्रीसेट आप देख रहे हो, सिंगल प्रीसेट है एक तरीके से। ये 2 प्रीसेट एक साइड में है, ये देखो आप, ये 2 प्रीसेट एक दिशा में लगे हुए हैं, और ये प्रीसेट एक इनसे बिल्कुल उल्टी दिशा में लगा हुआ है। तो ये जो प्रीसेट है ये आउटपुट रिले सेट करने के लिए है, यानी इस पे हम जो कनेक्शन देंगे आउटपुट रिले कनेक्शन देंगे सेक्शन में। और उसके बाद आते हैं इस वाले प्रीसेट पर, यानी इधर से जो पहला प्रीसेट है ये हम इनपुट रिले पर कनेक्शन देंगे इसका। और ये जो बीच वाला प्रीसेट हो गया हमारा, इस सर्किट पे हम एक्स्ट्रा रिले का कनेक्शन देंगे, यानी इनपुट 2 रिले का कनेक्शन हम इस पे देंगे। उसके हिसाब से सेट करते हैं, यानी ये प्रीसेट हमारा कहलाएगा आउटपुट, इनपुट, इनपुट 2 या फिर एक्स्ट्रा रिले। मेन लाइन स्टार्ट करके आपको चेक करके बताते हैं। इसके लिए हमें इसे वेजेक पर लगाना पड़ेगा, यानी वेजेक के थ्रू हम इसे सेट करेंगे। देखिए वेजेक है, इससे हम अलग अलग वोल्टेज देकर स्टेबलाइजर को सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम ऑन करेंगे, ऑन कर दिया, और वेजेक बिल्कुल हम बंद कर देंगे, यानी बिल्कुल 0 पे कर देंगे। और फिर धीरे धीरे से हम बढ़ाएंगे, ये देखिए इसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और ये आपको वोल्टेज दिखाते हैं इसमें। ये देखिए इनपुट वोल्ट, इनपुट वोल्टेज इसके हम इसे 90 वोल्ट देंगे। ये देखिए 90 वोल्ट, और इसकी आउटपुट वोल्टेज होगा 200। ये देखिए इनपुट वोल्ट 90, आउटपुट वोल्ट 200। अब हम जैसे जैसे वेजेक से वोल्टेज बढ़ाएंगे, अब सारे प्रीसेट हमने इसलिए इसके बंद कर रखे हैं सर्किट के, तो ये वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसे हमें 250 वोल्ट पर कट इसका सेट करना है, ताकि 250 वोल्ट के आगे इसके वोल्टेज ना जाए। तो आपको बताते हैं कैसे सेट करेंगे।
कि देखिए एक मीटर हमने इसकी स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा रखा है, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए अब हम इसे सेट करने का तरीका इसका ये होता है कि पहले हम वोल्टेज को जैसे आपको बताया था मैं बिल्कुल जीरो से लेकर आएंगे, आउटपुट हमारी 250 वोल्ट पर आएगी। तो हम पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की ट्रिक है ये, पहले इसका आउटपुट पे सेट हम इसका सेट करेंगे। इसे हम घुमाएंगे इस कंडीशन में, इधर ये ऑफ है, ऑफ से हम ऑन की तरफ को लेकर जाएंगे और बहुत धीरे धीरे से घुमाएंगे। देखिए और जहां पर भी रिले ऑन हो जाएगी वहीं पर हम इस पे सेट को छोड़ देंगे। ये देखिए ये 200 वोल्ट पर आ गया। अब हम इसे वेजक को फिर बढ़ाएंगे, वोल्टेज दोबारा से फिर बढ़ाकर 250 वोल्ट तक लेके जाएंगे। ये देखिए अब बारी आती है इनपुट पे सेट की, यानी पहले हमने आउटपुट पे सेट सेट किया, अब हम सेट करेंगे इनपुट पे सेट। ये देखिए ये भी ऑफ है, इसे हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जहां पर रिले ये ऑन हो जाएगी वहीं पर हम इस पे सेट को छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके दो कट सेट कर दिए। अब इसका तीसरा कट जो है वो ऑटोमेटिक आएगा अपने आप, हमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब चौथे कट के लिए हमें, मैंने आपको बताया था हम पांच स्टेप आएंगे या पांच कट आएंगे, तो फिर हमारे तीन कट हो चुके हैं, अभी चौथा स्टेप आएगा इसका। इसके लिए हम बीच वाला पे सेट यानी कि इनपुट टू रिले वाला पे सेट सेट करेंगे। इसका सेट करने का तरीका भी वही है, धीरे धीरे घुमाएंगे इसे। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसके तीनों पे सेट सेट कर दिए। अब देखिए इसके चार स्टेप तो आ गए, पांचवा स्टेप ऑटोमेटिक आएगा। ये देखिए इसे कुछ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगा। अब आपको इसके पांच स्टेप दिखा देता हूँ, तीन पे सेट है बट इसमें पांच स्टेप आते हैं। ये देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा और ये पांचवा स्टेप। ये देखिए नीचे 200 तक जाएगा और ऊपर 250 वोल्ट तक। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये सर्किट सेट कर सकते हैं और इसके स्टेप बहुत अच्छे आते हैं, इसके रिले में फ्लक्चुएशन भी ज्यादा नहीं होता है, बहुत अच्छे फंक्शन आते हैं और इसमें ज्यादा फॉल्ट भी नहीं आता है। और रही बात सर्किट की, अगर आप ये सर्किट मंगाना चाहते हैं तो सर्किट हमारे पास अवेलेबल है, ये हम खुद ही बनाते हैं, हमारा बनाया हुआ सर्किट है ये। तो अगर आपको चाहिए हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर हम अपना दे देते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज करके सर्किट मंगा सकते हैं, ये हम आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी डिलीवर कर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।